आपके इस क्वेश्चन से मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए, जिनसे मैं काफी टाइम से नहीं मिली हूँ. सो मतलब दिस इज अ मैसेज टू देम ऑल्सो. आप काम कर रहे हैं जहाँ इतना क्राइसिस है, तो कैसे अपनी बातें, अपने अपने दिल की बातें अपने परिवार तक पहुँचाती हैं? एक्चुअली ये बहुत मुश्किल होता है. कहना बहुत आसान होता है कि हाँ दूर रह के काम कर लेते हैं और मैनेज कर लेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट वेज. जब आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो आपको भी डर होता है, क्योंकि दोनों तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है. आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है. हो सकता है वो बीमार पड़ जाए और आप उनकी केयर ना पकड़ पाए. वो चीज़ का गिल्ट आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए. आपकी आंखों में आंसू आ रहा है हम जैसे देख. हाँ, बिकॉज आपके इस क्वेश्चन से मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए, जिनसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ. सो मतलब दिस इज अ मैसेज टू देम ऑल्सो इफ दे सी दिस वीडियो एनी टाइम, बिकॉज माई फैमिली इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली जो काफ़ी स्ट्रेंथन होने की कोशिश करती है. मतलब अभी भी जैसे वो मेरे को कॉल करते हैं, दे नेवर से कि हाँ वापस आ जाओ, कि छोड़ दो, अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, जान सबसे पहले है, ऐसा कभी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना. चाहे कुछ हो जाए, दे नेवर आस्क्ड मी कि आप अपनी ड्यूटी मत करो. यू हैव टू डू, बट उसके साथ में एडिड होता है खाना टाइम पे खा लेना. मॉम स्पेशली ना, जब मम्मी को तो स्पेशली खाने की फिक्र सबसे ज्यादा होती है कि नहीं बिल्कुल अच्छे से खाना पीना है, सब कुछ मैनेज करना है. तो दे आर वेरी सपोर्टिव, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली जैसे It's like a war. जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, उनको मना थोड़े ना करते हम जाने के लिए कि आप मत जाओ, बट एक इमोशनल टच हम भेज भी देते हैं कि हाँ हमारी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आप जाओ.